गाइस वेलकम बैक। एक राइड पर जा रहा हूँ। इट्स नॉट सर राइड, एक्चुअली इट्स अ स्टोरी। बताते हैं ये स्टोरी क्या थी। विंटर सोमनाथ की राइड में कुछ ऐसा हुआ था कि वो स्टोरी डेवलप हो चुकी थी उसी टाइम, तो उसी स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। तो वही जा रहे हैं अभी, दिखाते हैं रास्ते में कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मिलते हैं रोड पर, सी यू ऑन रोड। हाँ जी, तो कैसे हो मेरे चटपटे दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी मैं हूँ ये सीतापुर रोड पर। ये अभी रोड है, ये रोड अभी आगे जाके मिल जाएगी सीतापुर रोड पर। और जैसा कि आप देख सकते हो, माहौल ऐसा लग रहा है भाई कि नॉर्मल डेज हों, जैसे पहले होता था लखनऊ। पूरा ट्रैफिक वैसे ही चल रहा है, पूरी मार्केट अभी ओपन नहीं है, अभी सुबह का टाइम है। लेकिन जो मूवमेंट है ट्रैफिक की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें अगर, तो वो थोड़ी बहुत क्या मतलब, लोग तो अभी सड़कों पर हैं तो इसलिए चल रहा है। लेकिन लेकिन भाई साहब, ये आउटबर्स्ट की सिचुएशन है, आउटबर्स्ट की सिचुएशन। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हम आ गए हैं मड़ियाओं और देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, यहाँ टेम्पोज हैं वगैरह, ये सब चल रहे हैं। और देखते हैं मैं लखनऊ का बॉर्डर क्रॉस कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। आई होप तो जाने देंगे वो। और देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। एकदम से कुछ लॉकडाउन की सिचुएशन थोड़ी कम हुई है, अनलॉक 1.0 है एक तरीके का ये कह लो अब। लेकिन देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जैसे कभी लॉकडाउन था। अभी मैं इस सीतापुर रोड पर आ चुका हूँ और इस रोड पर जो हमेशा से जो चुतियापा होता आया है वो हो रहा है। मतलब कि कोई भी ये बिना दाएं बाएं देखे मोड़ देता है यहाँ पर। और अब रोड ख़राब हो रही है क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। तो जो ये पैच देख रहे हो ना अब, इस बीच वाला, ये मेल्ट हो रहा है। तो इस पर चलाना बहुत रिस्की है, बाइक एकदम से आपकी ट्रैक्शन खो देगी। तो ऐसे पैचेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप। रुक कर चाय वाय नहीं पीऊँगा, जैसा कि कहीं से इतना कांटेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि देखिए अभी भी सिचुएशन इतनी अच्छी अच्छी क्या अच्छी है ही नहीं सिचुएशन अभी कोरोना की। तो अब 60-70 दिन बाद लोग निकलेंगे तो पगलाएंगे ही, तो वही पगला रहे हैं अभी थोड़ी देर तक, पगलाने दो अभी तो। लेकिन आपको अपनी तरफ से एहतियात बरतनी है क्योंकि सरकार ने बोल दिया, आत्मनिर्भर बनो भैया। बाइकर्स के लिए लेन है जो बहुत ही ज़्यादा पतली कर रखी है भैया, क्या साइज जीरो करके मानोगे। ये देखो झाड़ जैसा ऊपर आ रहा, आम तो नहीं है इसमें, आम नहीं है, मैं देख रहा था आम हो तो तोड़ लिए जाएं, समझ रहे हैं। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग मास्क तो लगाए हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगाए हैं बाइक चलाते टाइम। अरे भैया मास्क नहीं बचाएगा। तो यहाँ देख रहे हो कैसे ऐसे उल्टे डायरेक्शन में लोग आ रहे हैं, मतलब चुतिया का ऐसा है यूपी में हमारे, क्या बोलते हैं। ये बहुत सही, देखे हो ना कैसे पान थूके महाराज। तो ये कौन सा स्टेशन है अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से ये है सिधौली स्टेशन मेरे राइट। काफी ज्यादा डेवलप कर दिया यार। तो गाइस वेलकम बैक। और अभी मैं हूँ इस समय लखनऊ सीतापुर वाले हाईवे पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक छोटी सी स्टोरी है, बताते हैं आपको क्या है कि जब मैं सोमनाथ की राइड पर था तो मुझको एक भाई साहब मिले थे चाय की दुकान पर, लखनऊ अवध खैराबाद वाला रेलवे स्टेशन है।
तो वहाँ पर मिले थे और उन्होंने मुझे प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन बद्रीनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ का कपाट उस टाइम था बंद, तो मैं वापस चला आया और जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद बद्रीनाथ से वापस द्वाराट आया, द्वाराट से अगले दिन लखनऊ, द्वाराट से लखनऊ आते टाइम मैगलगंज में मैंने उनके लिए रसगुल्ले लिए थे, गुलाब जामुन। काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं गुलाब जामुन मैगलगंज के, अगर आप उधर से कभी आओ तो ज़रूर लेना। शॉप पर जब मैं उनकी पहुँचा, चाय की शॉप है उनकी, तो वो नहीं मिले थे, तो काफ़ी देर तक वेट करा उनका, 10-15 मिनट, बट नहीं मिले। फिर मैं घर पर चला आया। उसके बाद मार्च अप्रैल मई 3 महीने बीत गए, तो एक मन पर मेरे बोझ भी था कि उनके जो भी उन्होंने पैसे दिए हैं 50, 60, 70, 80, लेकिन एक चाय वाला वो 5 रुपये की एक चाय बेचते थे, तो 10 चाय उन्होंने बेची होंगी तब उन्होंने 50 रुपये इकट्ठा करे होंगे, तो वो उन्होंने दिए थे। तो वो काफ़ी एक भरोसा था उनका मुझ पर, तो वो भरोसा ना टूटे वो इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। और इस भरोसे को बनाए रखना हम इंसानों का काम, इंसानियत बनी रहनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, उन्हीं से मुलाकात करेंगे। सीतापुर से आगे एक और ढाबा है अंकित भाई, उन्होंने भी बुलाया है मुझे अपने ढाबे पर, तो वहाँ पे भी हो सकता है जाऊँ मैं, तो लेट्स सी, वहीं जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं अगर इन फ्यूचर लॉन्ग राइड कैसे होगी। तो अभी वही पानी वानी पीने के लिए रुका था, क्योंकि अभी आज ज़्यादा दूर नहीं है, खैराबाद यहाँ से होगा अभी मुश्किल से 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर और। सी ऑन रोड। तो गर्मी से इतना बुरा हाल है, पसीना ही पसीना हो रहा है। बाइक मैंने जानबूझ के इसलिए छाए में लगाई थी ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो। ये थी उन भाई साहब की दुकान, ठीक है, ये वाली, और वो बंद है अभी भी। दुकान बंद थी उन भाई साहब की, तो एक दुर्भाग्य कह लो मेरा आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब क्या करना है, जा रहे हैं अंकित भाई से मिलने आगे। अब ये मुझे चलना है 30 किलोमीटर और। सिचुएशन ये है कि अब आप यूपी के अंदर कहीं भी जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो मुझे कहीं भी रोका नहीं गया, पुलिस खड़ी है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आराम से। बरेली अभी है यहाँ से कुछ 168 किलोमीटर, उसके बाद शुरू हो जाएगा उत्तराखंड। ओहो, मतलब कि पहाड़ भाई साहब, ये रास्ता यहाँ पर खराब रहता है। अरे भाई साहब, इससे बड़ा डर लगता है मेरे को, कभी भी पलट सकता है ये। तो ये अब निकल रहा है रास्ता सीधे शाहजहांपुर और बरेली। एक भसड़ इसमें और ये है कि यहाँ पर ये रास्ता ख़राब मिलेगा मुझको, तो आप देख सकते हैं अनलॉक होने के बाद मतलब हाईवे पर क्या स्थिति है, दबा के गाड़ियाँ चल रही हैं दबा के। तो आप अभी भी रास्ता देख रहे हो बन रहा है ये, इतना पैच ये जो सीतापुर से शाहजहांपुर के बीच में है, ये साला पता नहीं कब बनेगा, ये बन ही रहा है। ये फ्लाईओवर आप जो देख रहे हो ऊपर, ये जाने कौन जमाने से बन रहा है, और यहाँ पर ही हालत ख़राब हो जाती है बस। तो ये रास्ता बाईपास है शाहजहांपुर के लिए, वो रास्ता फिर मैकलगंज की तरफ से निकल रहा है, पहुंचने वाले हैं जहां पर हमको पहुंचना था। ये रहा अंकित भैया का ढाबा, इन्होंने अब थोड़ा पक्का बनवा दिया है पीछे का। दोस्तों वेलकम बैक, और ये रहे हमारे अंकित भाई और बाबा हैं, और इनके पिताजी अंदर हैं। बढ़िया ढाबा बना लिया है, अगर आप लखनऊ सीतापुर शाहजहांपुर वाले रूट से निकलते होगे ये दिख जाएगा साइड में हमेशा।
ये रही बाइक अंदर लगाई, और नीम का जो पेड़ लगाया था इन्हीं के साथ मिलकर मैंने लगाया था। तो जो आप सामने नीम का पेड़ देख रहे हो, ये मैंने ही लगाया था, मैंने और अंकित भाई ने मिलकर। मैं लखनऊ से लेकर आया था, ये बहुत छोटा सा था, मतलब कि ये बस यहाँ तक था, यहाँ तक, और अभी कितना बड़ा हो गया है। ये अंकित भाई का खेत है ये इधर पूरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है बड़ा होते हुए, इसको देख रहा हूँ। ये मैंने अपनी स्पीति राइड के दौरान लगाया था, वो भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के एक दिन पहले। सो फार सो गुड। उनसे एक मुलाकात करनी थी, और जिनसे मुलाकात करनी थी वो तो नहीं थे, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर कभी सही। चलिए ठीक, आगे से मोड़ें या किधर ही चढ़ा लें, लड़ ना जाए। अच्छा एक्चुअली मुझे काफ़ी घूम कर जाना पड़ता, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अंकित भाई से मुलाकात मेरी छोटी सी, अब मैं जा रहा हूँ लखनऊ के लिए वापस। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ये छोटा सा मोटो ब्लॉग था और कुछ नहीं, और वापस अब जा रहा हूँ लखनऊ। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। सी यू, बाय बाय, राइट सेफ, स्टे सेफ।